In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide box office collection of Bollywood film Albela. दोस्तों मूवी अलबेला जो रिलीज हुई थी 20 अप्रैल 2001 को ये एक बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसको 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर हैं दीपक सरीन। बात करें इसके प्रोड्यूसर की तो वो है रमेश तोरानी और कुमार तोरानी। राइटर की बात करें तो वो है जावेद सिद्दीकी और हनी ईरानी। अब आते हैं कास्ट पर। इसमें गोविंदा, ऐश्वर्या राय, जैकी श्रॉफ, नम्रता शिरोदकर, सईद जाफरी और संजय मिश्रा ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी सारी कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। बात करते हैं फिल्म की बेसिक स्टोरी। स्टोरी में क्या होता है, जो गोविंदा होते हैं उनका रोल होता है एक टूरिस्ट गाइड का। अब जो ऐश्वर्या राय है वो रहती है इंडिया से बाहर। एक बार वो इंडिया आती है अपनी मां की कब्र को ढूंढने के लिए। इस दौरान उनकी मुलाकात होती है गोविंदा से। अब जो गोविंदा है वो ऐश्वर्या की हेल्प करते हैं उनकी माँ की कब्र को ढूंढने के लिए। इस दौरान गोविंदा को ऐश्वर्या से प्यार हो जाता है। अब आगे दिखाते हैं कहानी में आता है ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या होता है, एक बार ऐश्वर्या राय जब अपने घर जाती है, घर जाने के बाद उनको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिस वजह से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अब वो ऐसा क्या देखती है जिस वजह से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, ये तो आप लोगों को फिल्म देखकर पता चलेगा। चलिए बात करते हैं कलेक्शंस की। फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 10 करोड़ 53 लाख का, 10 करोड़ 53 लाख का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 17 करोड़ 69 लाख का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 1 करोड़ 13 लाख कलेक्शन की थी, 1 करोड़ 13 लाख की। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 18 करोड़ 82 लाख रुपए का, 18 करोड़ 82 लाख का। इसका बजट था 10 करोड़ का। अब 10 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो बजट से ज्यादा था। उस हिसाब से अगर हम वर्डिट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म अलबेला बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। यानी कि फिल्म के जो ऑफिशियल वर्डिट है वो है एवरेज की। बात की जाए गानों की तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 7 गाने थे। गानों को कंपोज किया था जतिन और ललित की जोड़ी ने और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे समीर ने। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।